हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो ये देखिए, आज सुबह सुबह किचन के हाल दिखा रही हूँ मैं आपको, कैसा हो रखा है। कल रात को बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया था हमें काम करने में, और इस वजह से सारा कुछ छूट गया। तो आज बन रहे हैं आलू के पराठे। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो अभी मैं आ गई हूँ घर पे, और मैं ना आज घर आके बहुत ही ज़्यादा खुश हुई हूँ। तो मैं खुश क्यों हुई हूँ मैं बताती हूँ आपको। तो ये देखिए, मेरा किचन आज कितना नीट एंड क्लीन हो रखा है। बर्तन मेरे सारे धुल रखे हैं। मैं सुबह से छोड़ के गई थी, कल रात के बर्तन थे वो सुबह भी नहीं धो पाई मैं। और शाम मैंने सोचा था मैं शाम को आके धोऊंगी, लेकिन देखो सारे धो के सिंक विंक साफ करके सब कुछ रखा हुआ है। और अंदर भी सारे बिस्तर बिस्तर उठा के अच्छे से लगा के झाड़ू पोछा हो रखा है आज घर में। तो ये सब किया है इन महाराज ने। क्यों किया तुमने? क्या करना था, बोर हो रहे थे घर पे। मुझे क्या साफ सफाई करके अपना टाइम पास कर लेते हैं। तो ये टाइम पास करने के लिए काम करा था घर पे, इसने आज पूरा झाड़ू पोछा किया घर में। बताओ, बहुत गलत बात है ये। अच्छी बात है, अब मैं क्या करूंगी? कुछ नहीं बैठ जाओ। मुझे तो आके ना बैठने की आदत नहीं है। मुझे तो आके सीधे बैग बिछाया अपना और लगने की। अच्छी बात है, आज आप आराम करो। आज आज अब मैं सो जाती हूँ 2-3 घंटे। जेठनी बोलेंगे क्या कर रही है, निक्की सो गई। हाँ, वो तो पहले बोलते हैं करते क्यों हो तुम घर पे। हाँ आज तो ये बोलेंगे, हाँ क्यों करना था इसने, आज तो आ रखा है। तो ये देखो सब अरेंज करके रखा हुआ है, कुछ नहीं है, इधर उधर हो रहा था। तो मैं अभी बना रही हूँ चाय, और चाय पीते हैं अभी साथ में। अभी हम पी रहे हैं यहाँ पे चाय, और ये है मंचूरियन कल रात का। इसे भी जुकाम हो रखा है, इसलिए मैंने किया मंचूरियन गरम, और हम पियेंगे अभी मंचूरियन और चाय। पता नहीं क्या कॉम्बिनेशन हो गया ना। अरे आप सुनो, मंचूरियन होता क्या है मुझे पता नहीं है सच में। अरे चल, मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ मंचूरियन, अब बंदा किस चीज से है? सब्जी से। अच्छा स्टार्टिंग में करते ही हो ऐसा। कहाँ जाएगा ये? तो ये एक बैगन का पेड़ था, मैं कब से सोच रही थी मैं इसे लगाऊंगी, क्योंकि ना इसे पूरी जगह नहीं मिल पा रही थी उस वाले गमले में। तो मैं इसे इसमें लगा रही हूँ। मैंने ना धनिया नहीं बोया, मैंने सब कुछ बोया पर धनिया नहीं बो पाई मैं। सूख गया है। वो तो मनी प्लांट था, मनी प्लांट हुआ ही नहीं नीचे। ये क्या है? ये भी वही है, क्या बोलते हैं इसे, बैगन। अच्छा ये क्या हुआ? अरे ठीक है ना, वहां की मिट्टी ऐसे। हाँ ठीक ही है, मिट्टी यहाँ की उपजाऊ मिट्टी नहीं है, पता है बात ये ना, यहाँ की मिट्टी आगे कम पानी में भी चल जाता है काम। बस बंद कर दे।
तो ये हरी सब्जी भी निकाल दी है मैंने थोड़ी सी, और मैं देख यहाँ पे तो दिख नहीं रहा है वैसे, लेकिन सूरज बहुत ही अच्छा लग रहा है जाते हुए। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है पानी भी गमलों में, और ये बैंगन का फूल लग रहा है इसमें अभी, और ये बैंगन एक और पेड़ था वो मैंने इसमें लगा दिया, एक और था वो मैंने उस गमले में लगा दिया, और ये टमाटर को मैंने सपोर्ट दे दिया है क्योंकि इसमें ना वो टमाटर लग रहे हैं तो नीचे को झुक जा रहा था, तो इसलिए मैंने इसे सपोर्ट दे दिया। और यहाँ पे भाभी लोगों ने गेहूँ सुखा रखे हैं नीचे, और वो सामने वाले ग्राउंड में क्रिकेट मैच हो रहा है बच्चों का, मतलब वहाँ पे एकेडमी है और वहाँ पे सिखाते हैं बच्चों को क्रिकेट वगैरह खेलना। तो आज अभी खाने में बन रही है चने की दाल, और ये चने की दाल का मसाला हो रहा है रेडी। इधर बन रही है बीन्स की सब्जी, और ये है हरी सब्जी जो ऊपर मेरे गमलों में हो रखी थी, तो मैं इसको दाल में डालने की सोच रही थी क्योंकि पक के तो थोड़ी सी हो जाएगी, लेकिन ये कह रहे हैं कि अलग ही बना दो, मुझे अलग ही खानी है, तो इनके लिए बन जाएगी थोड़ी सी सब्जी। तो अभी चारों चूल्हे इंगेज हो रखे हैं मेरे, तो ये फायदा है चार चूल्हे होने का। तो यहाँ पे खाई जा रही है मूंगफलियाँ, और मैंने भी ज्वाइन करा है इनको। और मूवी कौन सी देखी जा रही है? मूवी कौन सी है? मिस्टर नटवर लाल, बहुत ही पुरानी मूवी मिस्टर नटवर लाल, कॉमेडी मूवी है नहीं? अमिताभ बच्चन तो है, पर इसकी शक्ल में तो देखो कैसे 12 बज गए, बीमार हो गया लड़का यहाँ आके। अब ठीक है? जुकाम ठीक है? तो सूप बनाऊं? चलो खाना ही खाएंगे फिर। अभी यहाँ पे सब आराम कर रहे हैं, सब रेस्टिंग पीरियड पे हैं और मूंगफली खा रहे हैं। 8:30 हो गए हैं, अभी मैंने और अभी ने खाना नहीं खाया है, बाकी सबने खा लिया है खाना। और किचन में जितने बर्तन बेचारे ने धोए थे, जितने बर्तन धोए थे इसने उतने फिर से वहीं चले गए हैं। पर मैं अभी धोऊंगी क्योंकि कल ये फिर धो देगा, फिर बीमार हो जाएगा। तो तू धोएगा मेरे साथ बर्तन? कल सुबह नहीं आ रहा हूँ, अभी धोएंगे। तो इसके साथ जो ट्रेजेडी हुई है वो मैं अभी आराम से बताऊंगी आपको कि क्या हुआ है, क्योंकि अभी टीवी की आवाज इतनी तेज है, तो हमें मैसेज भी देना है आजकल के लोगों को, थोड़ा सा ज्ञान भी पेलना था हमको। आगे बताऊंगी। तो खाना वाना खा के मैं आ गई हूँ किचन में, किचन की सफाई करने के लिए। और ये प्लेटें हमने कल निकाली थी, तो इन प्लेटों का मैं ज्यादा यूज नहीं करती हूँ किचन में क्योंकि इनके टूटने का डर रहता है।
तो जो ये वाली प्लेटें हैं इस बॉक्स में रहती हैं, तो इसी में रखूंगी मैंने। और ये देखिए, ये मैंने अभी 15 दिन पहले ऐसा साफ़ किया था और कितना गंदा हो गया है। और ऊपर से जो किचन विचन साफ़ करने का पानी होता है ना, वो सारा ऐसे नीचे इस पेटी पे गिर गया है यहाँ पे, तो ये भी बहुत ही गंदा हो गया है। तो इसको भी अब सारा समेटना पड़ेगा। तो अभी देखिए, मैंने किचन पूरा क्लीन कर दिया है। और आजकल खाना मैं फ्रिज में नहीं रखती हूँ, क्योंकि सुबह ना फिर उस आटे की रोटियाँ भी नहीं बनती हैं, तो इस वजह से मैंने फिर भारी छोड़ा हुआ है। और ये पेटी ना यहाँ से हटानी पड़ेगी, नहीं तो ना ये फिर बंद नहीं हो रही है अलमारी ये ठीक से, तो इसको भी हटाएंगे। और ये देखिए फ्रिज के ऊपर मेरे कितना जमा हो रखा है।